नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने एसएफएन टीवी पर। मेरा नाम है अश्विनी कुमार जयपाल। दोस्तों, अभी एक विवाद चल रहा है धीरेन्द्र शास्त्री के साथ, क्योंकि मीडिया के को धीरेन्द्र शास्त्री ने खुला चैलेंज दे रखा है कि आइए और जानिए कि मेरे पास कितनी बड़ी शक्तियां हैं। चलो मान लीजिए दोस्तों, इस वीडियो में आपको दो वीडियो लेकर आऊंगा। पहले वीडियो में तो अपने इस बात पर चलेंगे, क्या धीरेन्द्र शास्त्री के पास कोई शक्तियां हैं, तो क्या शक्तियों से कोई मोक्ष हो सकता है। पहले देखिए धीरेन्द्र शास्त्री जी का छोटा सा वीडियो और देखिए कि धीरेन्द्र शास्त्री जी ने अपनी शक्तियों के बलबूते पर पत्रकार के मन की बात बताई। और इसके बाद दोस्तों आप सुनिए संत रामपाल जी महाराज के विचार, जहां जानेंगे कि क्या धीरेन्द्र शास्त्री जिस पद पे चल रहे हैं, क्या उनका मोक्ष संभव है। आप में से कोई पत्रकार हमारे बल्कि चाचा जी का नाम उस पे भी है, संस्कार की भी पे, कोई बता सकता है? बोलो बोलो, वरना आज के बाद अंधविश्वासी कहना बंद कर देना। क्या बता सकते हो? अब आप पत्रकारों में जिनके चाचा का नाम भृगुनाथ तिवारी हो, बवा जाए। आपके चाचा का नाम भृगुनाथ तिवारी? जी, मेरे चाचा का नाम भृगुनाथ तिवारी है और वो भोपाल में रहते हैं, अभी मथुरा में है। आज लेकिन हमने लास्ट अनुमति ली है अपने बालाजी से। क्या तुमने पहले बताया? लोगों को अंधविश्वास में तो नहीं ढकेलना, महापाप पड़ेगा अगर तुमने बताया हो। गुरुजी, मैं 3 दिन से बल्कि सच्चाई को एबीपी न्यूज में दिखा रहा हूँ। मैंने कोई अंधविश्वास फैलाने का और बताने का काम नहीं किया। मैं यहीं से आपके दरबार से जनता। तो क्या तुम्हारे भाई का नाम राघवेंद्र तिवारी है? जी गुरुजी, एक पत्रकार होने के नाते नाते मैं कह रहा हूँ आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री की जय, क्योंकि मैं जो सुन रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, ये चमत्कार नहीं है। क्या तुम्हारे भाई ने अभी मकान बनवाया है? जी, गृह प्रवेश किया है 2 दिन। क्या तुम्हारी भतीजी का नाम अभिषी है? जी गुरुजी, आज के बाद अब अंधविश्वासी कहना बंद कर देना, वरना नंगा कर दिया जाएगा। हम हनुमान जी के सेवक हैं, ललकार कर करते हैं कि हमने संतों की चरणों की तपस्या सीखी और सन्यासी बाबा की कृपा को पाया है। जो भ्रम फैला रहे, आज के बाद भ्रम बंद कर देना। और आज के बाद हम किसी को प्रमाण पत्र नहीं देंगे, न सफाई देंगे, ये शपथ गद्दी से खा रहे। अब हम कभी भी किसी को भी किसी से हमें प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। आज पूरी नेशनल मीडिया के सामने हमें जो कहना था कर लिया, फर्स्ट और लास्ट है। अब आपका एक प्रश्न हम बताएंगे और आज के दरबार को, क्योंकि हम पूर्ण होश में नहीं है, इसलिए आज के दरबार को हम बालाजी की अनुमति से आए थे और आज के दरबार को हम इसी के साथ विराम करेंगे। कल 4 घंटे दरबार लगाएंगे। एक प्रश्न पूछ लीजिए, लास्ट पूछिए। मैं पूछूं? हाँ। मेरे मन में तो देखिए बहुत सारे सवाल थे, जिसको लेकर मैं 3 दिन से लगातार कोशिश कर रहा था। मैं इसी मीडिया में, इसी पत्रकारिता क्षेत्र में और क्या कर सकता हूँ, क्योंकि मैं देश और समाज के लिए सेवा करना चाहता हूँ इसी फील्ड में रहकर, उसको लेकर पदोन्नति का प्रश्न है। कृपा होगी पत्रकार में, इस मंत्र का जाप करें, आशीर्वाद। और रुकिए, एक ये रखा है और आपका एक और रखा है। हम गुरु हैं, ऊंची गोटी खेलते हैं, कच्ची गोटी नहीं खेली। इसमें वो रहस्य भी लिखे हुए हैं जो दुनिया को पता नहीं, सिर्फ तुम्हें और हमें पता है। वो पूरे कमरों की डिटेल लिखी है इसमें। और ये धमकी नहीं है, सिर्फ आधा पढ़वा करके आपको हम संतुष्ट कर देंगे और पर्चा वापस ले लेंगे। एक ये आएंगे, ये भाव से बैठे हैं, बस ये आपने भी नहीं सोचा होगा। दोस्तों, अभी आपने देखा कि धीरेन्द्र शास्त्री जी ने किस तरह अपनी सिद्धियों के बलबूते पर पत्रकार के मन की बात बताई। तो अब दोस्तों, अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज के विचार और जानेंगे क्या इन सिद्धियों के बलबूते पर धीरेन्द्र शास्त्री का मोक्ष मिल सकता है, क्या धीरेन्द्र शास्त्री जी की और उनके शिष्यों की मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो दोस्तों, वीडियो के साथ अंत तक बने रहे। और इसके साथ ही दोस्तों, अगले वीडियो के अंदर आपको एक एक प्रमाणों के तहत बताएंगे कि क्या धीरेन्द्र शास्त्री के पास वास्तव में कुछ सिद्धियां और शक्तियां हैं। ये सिद्धियां होती हैं जो आपके मन में क्या सोच रखा आपने, वो बता देगा सामने वाला। उसके एक वो मन की वृत्ति बताने वाली सिद्धि जिसने अपनी कंप्लीट कर रखी है, साध रखी है। एक बार हमारे ताऊ के लड़के की भैंस चोरी होगी, तो
तो किसी ने बताया कि वहाँ इधर गुड़गांव साइड में एक मुसलमान है और वो जाति बता दी है चोर का नाम, और तो उसने वो वहाँ गए पान सात हमारे घर वाले, उसने कहा कि तुमने जिस पे शक है उसका नाम लिख लो और उसके साथ साथ और 10 नाम और पर्चियाँ बना लो, एक तो उसकी हो जिसके ऊपर तुमने शक है और बाकियों की 9 के नाम और लिख दो, 10 पर्ची यहाँ डाल दो, मैं अपने आप उठा के दे दूंगा, वो चोर होगा। अब उन घरवालों को किसी एक पर शक था, उसका नाम लिख दिया, सबके जितने सेव वहाँ गए थे सबके मन में यूँ था कि यूँ पक्का चोर है, और वो पर्ची डाली उसने, वह ये पर्ची उठा के दे दी। वह मन की वृत्ति जाने था कि किसके बारे में सोच रहे हैं ये चोर, सब खुश हो गए, अक वाह भाई वाह बड़ी बात है, तो कति सच्ची बात होगी भाई, देखा ना हम भी सोच रहे थे, इसने वही बता दी। वो आके पुलिस ने कहा था भाई मैंने नाम बता दो किस पे शक है, उन्होंने बता दिया यू चोर है। पुलिस ने उसको पूछताछ की, धमकाया खुरकाया, पुलिस ने कहा भाई यू चोर नहीं है। फिर उन्होंने किसी और पर शक कर लिया कि शायद वो है भाई पक्की बात, वो उस दिन उड़क वहाँ खड़ा था, ऐसे रात ने वहाँ खड़ा था, उसने देखा था, तो वो फिर किसी दूसरे और के पास गए, एक ऐसा ही बकवाद करनिया, तो उसने भी यही कहा, ऐसे ही उन्होंने उसका नाम लिख दिया जिस पे शक था, 9 और लिख कर डाल दिए, उसने वह पर्ची निकाल दी जिस पर उन मेरे घर वालों ने शक था, वो नाम निकाल के दे दिया यू चोर है। अब फिर उन्होंने फिर आगे पुलिस को बताया कि यू पक्का चोर है भाई, तुम कित पूछ का एक ऐसे ऐसे वहाँ, तो पुलिस वाले बोले ये बात नहीं जस्ती, उससे भी पुलिस ने पूछा था ची की, लेकिन वो भी चोर नहीं था, वो बहस नहीं पाई, और वो जाते बता दे जो मन में सोच, ये बकवादे हैं, किसी ने सच्ची भी हो जाती है उनकी तो 20 जगह गुण गा दे, वह हमारी तो सच्ची बता दी थी उसने। तो पुण्यात्मा ये ड्रामाबाजी हमने नहीं करनी चाहिए। तो क्या बताते हैं, एक सिद्धि निस्वासर जागे, एक सिद्धि सेवक हो आगे। मेरे मामा जी का गांव है खेड़ी दमकन सोनीपत में, और वहाँ एक गीसा पंथ का एक गीसा साहिब जिसको परमात्मा मिले थे, उसी का एक गीसा दास संत का ही शिष्य निक्की राम जी था, उसने गीसा साहिब जी की वचनों को आधार ना मानकर संसारिक जो आम लोक वेद के आधार से हठ योग करना शुरू कर दिया। उस हठ योग से उसमें सिद्धि आ गई, नींद ना हो उसने दिन रात जागता रहता था। तो वहाँ एक आश्रम बना हुआ है, उस आश्रम की स्थापना होने का कारण जब हमने पूछा तो बताया उन वहाँ के व्यक्तियों ने कि नेकी राम जी यहाँ एक बड़ी सी थी, बन था छोटा सा, उसमें बैठ गया आके और ज्ञान प्रचार करे और दिन रात जाग गए। तो वहाँ एक दो सेवक रहने लगे, उन्होंने कहा यो महात्मा जी ना दिन में सोता ना रात ने, तो लोगों ने छुप कर देखा कई दिन तीन, अग भाई सचमुच ना दिन में सोता ना रात ने सोता, ये तो महाराजा पड़िया है। उसका उड़े एक आश्रम बना दिया, मंदिर बना दिया, उसकी पूजा शुरू करने लगे हैं, और आज कुछ भी कोई ना उसका पल्ले। तो इस प्रकार हम भ्रमित हो जाते हैं, एक सिद्धि निस्वासर जागे, एक सिद्धि सेवक हो आगे। जैसे आपको हम कई बार सुनाते हैं कथाएं, उदाहरण देते हैं कि ये मन जो है ये एक भूत समझो, और इसको यदि भक्ति पर लाए रखा तो यो ठीक से, अगर इसको भक्ति पर नहीं लगा तो बकवाद सूझता है, कोई और कोई उत्पना कोई गलत काम करवाता है, पाप की तरफ दौड़ता है, हमारे जान का खतरा बनता है। तो इसके लिए इसको कैसे कंट्रोल करना चाहिए, इस मन को इसको परमात्मा के नाम पर लगाए रखना चाहिए। तो इसका उदाहरण देते हैं हम कई बार, तो आपको ये कथा सुनाते हैं। एक साधु था और उसने एक सिद्धि कर ली, उस सिद्धि से क्या होता है कि किसी पितर को या किसी प्रेत को कंट्रोल कर लेते हैं, तो उसकी साधना के कारण
ईश्वरीय शक्ति से वो जो सिद्ध किया हुआ जो होता है वो सेवक रूप में प्रकट हो जाता है, वो केवल उसी को दिखाई देता है, ये सिद्धि उसकी साधना से ऐसा हो जाता है। एक संत के पास, एक तपस्वी के पास ऐसी सिद्धि थी, लेकिन उसमें एक अवगुण था कि उसको अगर काम ना बताया गया, वो सेवक प्रकट हो जाता था तो सिद्धि से, तो नहीं तो वो फिर उसको हानि कर देता। एक संत ने वो सिद्धि आती थी, उसने अपने चेले से भी वह सिद्धि करवा दी, लेकिन उस गुरु ने कहा चेले से, शिष्य के, भाई मेरी अब्सेंस में, मेरी अनुपस्थिति में इस सिद्धि का तू प्रयोग मत करना। अब कुछ दिन के बाद गुरुजी चले गए सैर सपट्टे को कहीं दूसरे जगह पर, पीछे से चेले ने सोचा जो ये सिद्धि मैंने की है इसको परीक्षण तो करके देखूं। उसने वो सिद्धि प्रयोग कर दी, सामने एक जंद खड़ा हो गया, एक प्रेत सेवक बनकर, कहने लगा महाराज बात सुन ले, यदि मुझे काम बता और काम नहीं बताओगा तो तेरी गर्दन दाबूंगा, मैं तुझे मारूंगा। तो चेले ने सोचा भाई काम बता दिया, बर्तन साफ कर दिया, बर्तन साफ कर दिया मिनटा में, आटा मांग लिया, आटा मांग लिया, दस मिनट मांग लिया, दो चार काम बताए वो मिनटा में कर दिया। उन्हें सोची अच्छा मरिया भाई, और काम ना बताऊंगा तो भी मेरी गर्दन दबाओगा मारेगा। उसने गुरुजी को याद किया, एक मर गया मैं तो आज गुरुजी गलती होगी। इतने वो गुरुजी आ गए, वो गुरुजी कहने लगे रे क्या हो गया गुरुजी, यू मनु मारेगा, ये ऐसे ऐसे खड़ा है, यू देख यू खड़ा, और काम बताऊ जब कर देता है मिनटों में। तो गुरुजी ने कहा भी मैंने तेरे से मना किया था बेटा, मेरी अब्सेंस में प्रयोग ना करना, पर एक काम करी, इसने कह दिया कि बांस ले आ, बहुत लंबा बांस ले आ। वो बांस ले आया, गुरुजी बोले इसको कह दे कि इसमें जमीन में गाड़ ले, खड़ा कर दे। उन्होंने जमीन में गाड़ दिया। तो गुरुजी बोले इसको कह दे कि इस बांस पर चढ़े जा, उतरे जा, काम होगा जब मैं तेने बुला लूंगा, ना तू अपना यू काम लग्या रहे। तो ऐसे ही इस मन को कंट्रोल करने की विधि बताई परमात्मा ने, संसारी काम करे इतने तो काम में लगे, फिर इस राम नाम के बांस पर चढ़ाए जा, उतारे जा इस मन रूपी भूत को, इसने ठाली ना छोड़ा है ना यू हानि कर देगा। ये मन जब भी भक्ति से दूर हो गया, इस राम नाम के बांस तो उतर गया, उसी समय देख लेना आपको लेकर डूब जाएगा, उसी स्थान पर जा छोड़ेगा जहां से शुरू हुए थे। तो ये बता रखा है कि एक सिद्धि निस्वा सर जागे, दिन रात जागे, एक सिद्धि सेवक हो आगे, एक सिद्धि सुर्गापुर धावे, एक सिद्धि जो सब गठ छावे, एक सिद्धि सब सागर पीवे, एक सिद्धि जो बहुजुग जीवे। एक सिद्धि जो सब सागर पीवे, एक अगस्त नाम के ऋषि जी थे, उन्होंने सारे जीवन में एक सिद्धि प्राप्त कर ली सारे सागर पीण की। एक ऐसी शक्ति है, ईश्वरीय पावर है, ऐसी शक्ति है जो उसको सिद्धि कर लेता है। तो इसने कोई बात होगी थी कहा सुनी, तो अगस्त ऋषि ने एक ही घूंट में अपना सातों सागरों को पी लिया था। अपने आत्माओं, ये जो शक्ति है भगवान की वो ऐसी ही अटपटी होती है, आम आदमी इस बात को नहीं समझ सकता, ये तो वही समझ सकते हैं जो परमात्मा से परिचित हैं। उसने एक घूंट में सातों सागर पी लिए, इतनी सिद्धि उसको प्राप्त हो गई थी, लेकिन मोक्ष नहीं। फिर प्रार्थना करने पर कहते हैं वापस उसने कुरला कर दिया, सारे सातों सागर फिर परिपूर्ण हो गए। ये ऐसा हो जाता है क्योंकि ये पूरी ब्रह्मांड सारे बीज रूप में ही थे और परमात्मा के पास सुरक्षित थे, परमात्मा के ही देन थी, परमात्मा ने इनको बनाया था, ऐसा हो सकता है। लेकिन कहने का भाव यह कि ऐसी सिद्धि, सातों समुद्रों को पी लेना और फिर भी मोक्ष नहीं, ये सिद्धियां होती हैं।
एक सिद्धि कष्ट तन जा रहा, एक सिद्धि तन हंस नहीं आ रहा, एक सिद्धि जल डूब न जाई, एक सिद्धि जल पैर न लाई। एक ससाणा गांव है सोनीपत जिले में, ससाणा, और ससाणा गांव में एक ईसाईपंथी से संबंधित था एक व्यक्ति साधक नेकीराम परंपरा से, तो वही हठ योग करके उसने सिद्धि प्राप्त कर ली। कैसी सिद्धि थी उसके पास, वहाँ के जताबी की बात है हमारे सामने की। कहते हैं इस महाराज जी तालाब में अगर निकल जाता है, कीचड़ में अगर निकल जाता है, इसके पैर के पानी ना लगता, इसके पैर का जल गीला नहीं करता इसको। और कई बार लोगों ने देखा, व्यक्तियों ने, फिर वो महाराज बना लिया और सिसाने में उसका चमटा गाड़ दिया, इतना बड़ा आश्रम बना रखा और नाम लिख दिया नारायण महाराज। वो नारायण नारायण क्या करता, उसका नाम में नारायण रख दिया, उसका वैसे वास्तविक नाम कुछ और है। तो इस तरह के ड्रामाबाजियों से हम भगवान से दूर होकर के इन सिद्धि युक्त व्यक्तियों पर आश्रित हो गए, जो वो भी जन्म बर्बाद कर गए और अनुयायी भी बर्बाद हो गए।